आप सबको मेरे चैनल सेपरेट फ्रेग्रेंस में हसद करोगे तो कुछ ना पाओगे, शुक्र करोगे तो गिन ना पाओगे। हसद क्या है, किसी की दीनी या दुनियावी नेमत के सवाल, यानी उसके छिन जाने की तमन्ना करना, या ये ख्वाहिश करना कि फलां शख्स को ये नेमत ना मिले, इसी का नाम हसद है। हसद के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हसद से बचो, क्योंकि हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है जिस तरह आग लकड़ी या खुश्क घास को खा जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया, बंदे के दिल में दो चीजें इकट्ठी नहीं हो सकती, एक ईमान और दूसरा हसद। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु हसद के बारे में फरमाते हैं, हसद बीमारियों में सबसे बदतरीन है। हसद नेकियों को इस तरह तबाह कर देता है जिस तरह आग लकड़ी को जला देती है। किसी से हसद ना करो, बल्कि खुद भी मेहनत करके हासिल करने की कोशिश करो। किसी से हसद करने का कोई फायदा नहीं, बुलंदियां तो खुदा की साथ देती है। हसद एक जहर है जिसे इंसान खुद पीता है और तवक्को करता है दूसरे के मरने की। हसद सांप के जहर से भी ज्यादा खतरनाक है। सांप अपनी जहर से नहीं मरता, लेकिन हसद को हसद खत्म कर देता है। हसद एक नफ्सियाती मर्ज है। हसद का जज्बा एहसासे कमतरी से पैदा होता है। जो शख्स अपने आप को घटिया या कमतर समझता है वो ही दूसरों से जलता है। हसद की आग में जलने से बेहतर है कि दुआ के ठंडे पानी से गुसल कर लो। जलना छोड़ दो, वरना दोसख की आग बहुत बुरी तरह जलाएगी। हासिद के तकलीफ दे रवैये को नजरअंदाज करें। हासिद तो खुद काबिले रहम है, क्योंकि उसका कल्ब और उसकी रूह हसद जैसी बीमारी की वजह से असियत में मुब्तिला रहती है। हसद करने वाला इस दुनिया का सबसे नाखुश इंसान होता है। याद रखें, हसद और घमंड जब आदमी के अंदर दाखिल होते हैं ना, तो वो अक्ल को बाहर कर देते हैं। हसद करने वालों के लिए बददुआ की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो तो पहले ही हसद की आग में जल रहे होते हैं। हासिद की भलाई बदनीयति पर मबनी होती है, क्योंकि ये एक शैतानी फितरत है। किसी की खुशी से हसद करने का कोई फायदा नहीं। सबको वही मिलता है जो अल्लाह ने उनके नसीब में लिख दिया हो। जिनके पास करने को और कुछ नहीं होता वो हसद करते हैं। हासिद का गुनाह ये है कि वो अल्लाह के फैसलों पर राजी नहीं होता। ये बात याद रखें, हसद बहुत बड़ा ऐब है
और इसकी वजह से इंसान ना सिर्फ खुद भलाई से रुक जाता है बल्कि दूसरों को भी भलाई से रोकने की कोशिश में मसरूफ हो जाता है। लिहाजा हर मुसलमान को चाहिए कि वो इससे बचने की कोशिश करे।